नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है पीएमसी फिनकॉर्प। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस शेयर को हम लगातार कवर कर रहे हैं। इसमें कोई भी अपडेट या कोई भी न्यूज़ निकल के आती है या जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है, हमने आपको हर एक न्यूज़ को हर एक इंपॉर्टेंट लेवल को आप तक पहुँचाया है। तो इस शेयर में हमें अभी जो हाल देखने वाला है, लगातार इसमें अपर सर्किट पर अपर सर्किट जो इसने रैली दिखाई थी, काफ़ी तगड़ी जो है इसमें तेजी देखने वाली थी। और हमने आपको जो सपोर्ट लेवल दिया था उसी सपोर्ट से इसने जो है तेजी पकड़ी थी और हमारे टारगेट को इसने हिट भी किया था। और उस टारगेट को हिट करने के बाद इसमें दोबारा से हमें गिरावट हमें देखने मिल रही है और ये शेयर फिर से लोअर सर्किट के जाल में जो है फंस चुका है। तो बात करेंगे इस वीडियो में जो इसमें ये लोअर सर्किट देखने मिल रहा है, तो ये लोअर सर्किट आपको कब तक देखने मिलेगा और ये शेयर कब कहाँ से जो है सपोर्ट ले सकता है, कौन सा लेवल आपका सबसे अच्छा सपोर्ट रहेगा, और आप इसमें अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो आपको फ्रेश बाइंग कौन से लेवल पर करनी है। ऑलरेडी आप इसमें इन्वेस्ट है तो आपको अपनी नेक्स्ट मूव इसमें क्या लेनी, लंबे समय के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट किया आपने तो आपको क्या करना है, और आपने अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपने इसमें पैसा लगाया है तो आपको इसमें क्या करना है, इसके आगे के कौन से टारगेट रहेंगे, ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसी क्या हमें ट्रेड देखने वाली पीएमसी फिनकॉर्प में आज के दिन। तो आप देखिए इसमें ऑलमोस्ट 40 पैसे की गिरावट, 4.75% का लोअर सर्किट पूरे दिन हमें देखने को मिला है आज के दिन। अभी ये 2.81 रुपये पर शेयर पहुंच चुका है। बात करें 1 वीक की, तो 1 वीक में इसमें अगर बात करें कितना गिरावट आई है, तो देखिए 18.08%, मतलब कि भारी भरकम गिरावट हमें एक सप्ताह में देखने को मिल चुकी है। 1 मंथ में देखें तो 1 मंथ में देखिए काफ़ी अच्छी रैली आई थी इसमें। देखिए अगर आप देखें तो इसमें ऑलमोस्ट 1 मंथ में 100% से भी रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, और उसके बाद देखिए इसमें भारी गिरावट हमें अभी देखने को मिल रही है। 64.33% रिटर्न एक महीने में ये शेयर जनरेट कर चुका है। बात करें इसमें वॉल्यूम एडिशन की, कैसा क्या वॉल्यूम हमें आज देखने को मिल रहा है। तो देखिए आज का वॉल्यूम जो है वो है कितना, 11,07,549 शेयरों के इसमें ट्रेड हुई है, और 100% डिलीवरी जो है परसेंटेज हमें देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी कम जो है वॉल्यूम हमें अभी देखने को मिल रहा है। अगर देखें कल का वॉल्यूम, कल उसमें वॉल्यूम कितना था, 9,89,610 शेयरों का इसमें ट्रेड हुआ था, और 100% डिलीवरी इसमें कल भी हमें देखने को मिली थी। लेकिन अगर आप देखें तो काफ़ी जो है वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हुआ है जब से ये 3.43 रुपये को जब से अचीव किया इसने, उसके बाद से देखिए लगातार इसमें वॉल्यूम एडिशन डिक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। कल भी वॉल्यूम कम था, उसके पहले भी देखिए वॉल्यूम कम हमें देखने को मिला है। तो मतलब कि बड़े खिलाड़ी इसमें अपना एग्जिट फिर से ले चुके हैं, लेकिन इसमें जल्दी फिर से बड़े खिलाड़ी एंट्री लेने वाले हैं, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं इस शेयर के नीचे आने का, और ये शेयर जैसे ही नीचे आएगा फिर से अपनी एंट्री लेंगे। और ऑपरेटर जो है, ये शेयर आपको पता है जितने भी बड़े स्टॉक होते हैं सारे ऑपरेटर ड्रिवन ही होते हैं, तो ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक में क्या करना पड़ता है, आपको सही समय पर एंट्री और सही समय पर एग्जिट लेना होता है। अगर आप ये करना सीख गए तो आप जो है काफ़ी पैसा बना सकते हैं पने स्टॉकों से, क्योंकि पने स्टॉक जितना पैसा बना के देते हैं वो पैसा आप किसी भी जो है स्टॉक से नहीं बना सकते। तो पने स्टॉक में पोटेंशियल काफ़ी होता है पैसा बनाने का, लेकिन आपको ऑपरेटर्स की रैली में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सही समय पर एंट्री लेना और सही समय पर एग्जिट करना। तो मैंने आपको एंट्री दिलाई थी, आपको इस शेयर में बताई थी कहाँ पर, मैंने आपको एंट्री दिलाई थी 1.72 रुपये पर। देखिए उनको सही पॉइंट था एंट्री का, मैंने आपको 1.72 रुपये का सपोर्ट दिया था, और देखिए इसी लेवल से इसने तेजी पकड़ी थी, और तेजी पकड़ने बाद देखिए 1.72 रुपये से ये देखिए मैंने आपका जो टारगेट दिया था वो दिया था 3.25 रुपये का। आपको याद होगा लास्ट वीडियो मैंने आपको बोला था कि ये 3.25 रुपये का आपका टारगेट अचीव करेगा, और देखिए इसने 3.25 रुपये का टारगेट अचीव किया। और मैंने आपको ये बात भी बोली थी, अगर ये 3.25 रुपये के ऊपर कम से कम 2 से 3 दिन क्लोजिंग देता है, कम से कम 2 से 3 दिन क्लोजिंग देता है तब क्या करें आप इसको होल्ड करें। ये देखिए 3.25 रुपये के ऊपर ये एक दिन यहाँ पर गया और दूसरे दिन गिर गया, मतलब कि ये 2 से 3 दिन ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, मतलब कि आपको इससे एग्जिट लेना था टेम्पेड रूप से जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाया था। शॉर्ट टर्म लोगों को मैंने बोला था कि अगर 3.25 रुपये के ऊपर जाए तो आप इसको होल्ड करें 2 से 3 दिन, अगर ये इसके ऊपर नहीं जाता तो आप इसमें टेम्पेडी बेस पर अपना एग्जिट ले सकते हैं। और आपका सपोर्ट अब जो है वो है आपका 2.65 रुपये का सपोर्ट नंबर 1 अभी जो है, क्योंकि हमारे 2.84 रुपये सपोर्ट टूट चुका है, तो हमारा अगला सपोर्ट जो है वो है 2.65 रुपये का। तो ये शेयर आपको 2.65 रुपये के लेवल पर आता हुआ देखने को मिलेगा, और यहाँ से आपको ये शेयर फिर से अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो आपका सपोर्ट है कौन सा, 2.65 रुपये का आपका सपोर्ट नंबर 1, और आपका टारगेट नंबर 1 जो है अभी के लिए वो है 2.81 रुपये, और आपका टारगेट नंबर 2 है 3.25 रुपये। ठीक है, आपका टारगेट नंबर कौन सा है 1, 2.84 रुपये, और टारगेट नंबर 2 3.25 रुपये। और आप अगर इसमें इन्वेस्ट करने आते हैं, अगर आपका अब इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रुझान है, तो आप 2.65 रुपये पर अपनी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। आपका फ्रेश बाइंग का ऑप्शन है कौन सा, 2.65 रुपये, और आपका टारगेट रहेगा कौन सा, आपका टारगेट रहेगा 2.84 रुपये और 3.25 रुपये का। और अगर 3.25 रुपये से ये फिर से रेजिस्टेंस लेता है, अगर सपोज कीजिए अगर ये इसके ऊपर फिर से 2 से 3 दिन क्लोजिंग नहीं दे पाता है 3.25 रुपये के ऊपर, तब आप इसमें अपना एग्जिट ले लीजिएगा, फिर आपको जो है इसमें नहीं रुकना है। ये रहे शॉर्ट टर्म वालों के लिए।
ये सलाह थी किसके लिए, शॉर्ट टर्म वालों के लिए। और लॉन्ग टर्म वालों के लिए क्या है, लॉन्ग टर्म वाले इसमें होल्ड करें, कंपनी काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटली ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग भी है और कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी में किसी भी प्रकार की कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है, तो कंपनी में आप लंबे समय के लिए आराम से होल्ड कर सकते हैं। लंबे समय वालों के लिए, लॉन्ग टर्म वालों के लिए मेरी कोई सलाह नहीं है, वो आराम से इसमें होल्ड करें। और शॉर्ट टर्म वालों को क्या करना है, शॉर्ट टर्म वाले इसमें 2 रुपये पैसा पैसे पर बाइंग कर सकते हैं और अपना टारगेट रखें, कौन सा टारगेट रखें, टारगेट रखें अपना 2 रुपये 84 पैसे और 3 रुपये 25 पैसे, या पर दो रहेंगे टारगेट। और अगर ये 3 रुपये 25 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता है कम से कम दो से तीन दिन तब आप इसमें होल्ड करें। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो आप इसको टेम्परेरी रूप से अपना इससे एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें फिर से आपको गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस रहा है 3 रुपये 25 पैसे पहले भी और अभी भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहा है। तो आपको इसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो, क्योंकि इसमें तेज़ी पक्का आएगी, आपको इसमें तेज़ी और भी आने वाली है, अभी ये शेयर फिर से तेज़ी पकड़ेगा 2 रुपये 65 पैसे के लेवल से, तो आप इस लेवल के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं आपको जो है अपनी पर्सनली आपको सलाह जो होगी मेरी जो इसके हिसाब से जो रहेगा, मैं आपको जो है अपना पर्सनल सलाह दे दूंगा। बाकी आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये लगता है वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी प्रकार से अपना पैरामीटर बना रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हुए अपना पैसा निवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।